हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बहुत ही प्यारे ब्लाउज डिज़ाइन बनाना बताने वाली हूँ। अस्तर का कपड़ा मैंने रख लिया है। अभी हमें ब्लाउज़ की नाप कर लेनी है। लंबाई टोटली 15 इंच है। चौड़ाई मैंने 11.5 इंच ली है। गले और कंधे की चौड़ाई 6.5 इंच है। कंधा कट मैंने 6.5 इंच पर किया हुआ है। तो ये हमारी नाप हो गई है। अब हमें डिज़ाइन की नाप करनी है। गले की साइड हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे चौड़ाई पर। लंबाई टोटली 10 इंच ले रहे हैं डिज़ाइन के लिए। सबसे पहले हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे बॉक्स आकार का और गुलाई दे देंगे। अब नीचे की साइड भी हम गुलाई दे देंगे। अब निशान लगे इसी को कट कर लेना है। जैसा हमने निशान लगाया कटिंग हमें सेम टू सेम वैसी कर लेनी है। तो ये कटिंग हमारी हो गई है। ये अस्तर है और ये ब्लाउज का कपड़ा है। तो अभी हम अस्तर को ब्लाउज के कपड़े के ऊपर रख देंगे। अब हमें इस पर भी स्टिच लगानी है। तो नीचे की साइड से पहले स्टिच कर लेंगे। तो नीचे की साइड स्टिच हो गया है। अभी हमें गले की साइड स्टिच करना है। हाफ हाफ इंच लेते हुए हम स्टिच कर लेंगे। हमें अच्छे से गुलाई देते हुए स्टिच करना है। तो ये स्टिचिंग हमारी हो गई है। अब हमें गले की साइड थोड़े छोटे कट लगाने हैं। तो ये कट मैंने लगा लिया हुआ है। अब हमें कपड़े को पलटना है। सिलाई वाला भाग अंदर कर लेना है, फिनिशिंग वाला भाग बाहर कर लेना है। तो ऐसे हम इसको पलट लिए हैं। जैसी हमारी डिज़ाइन थी वैसे ही हम इसको बराबर से पलट लेंगे अच्छे से। तो हमें दोनों साइड की डिज़ाइन निकाल लेनी है अच्छे से। तो ये डिज़ाइन हमारी आ गई है। अब हमें इस पर फिनिशिंग देने के लिए एक सिलाई और लगानी है। तो हम इस पर एक बार सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई हमें बिल्कुल चिपका के लगानी है ताकि हमारा गला अच्छे से फिनिशिंग से आ जाए। तो ये गले पे मैंने सिलाई लगा ली है। तो ये हमारा गला कुछ ऐसे आ गया है। अब हमें नीचे की साइड चुन्नट डालनी है। तो ऐसे फोल्ड करेंगे और चुन्नट डाल लेंगे। तो ये वन साइड की चुन्नट हो गई है। अभी सेकंड साइड भी ऐसे ही चुन्नट डाल लेनी है। तो सेकंड साइड भी हम चुन्नट डाल लेते हैं ऐसे बराबर से। तो ये दोनों चुन्नट मैंने लगा ली है। अब हमें डिज़ाइन बनाने की तैयारी करनी है। तो ये गला हमारा हो गया है।